नमस्ते, मैं स्वरूप आयुष कुमार गर्ग, डिपार्टमेंटल ट्रिब्यून, कैपिटल फायर डेटा साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी राजस्थान। शूट पशमन रोहित दतुआ दतुरा, इसका वर्तनिकल नेम होता है दतुरा मैटर। फैमिली होती है सोलेनेसी, क्लासिकल नेम होता है इसका दतुर। संस्कृत में से दतुरा, शिवप्रिय, कनक, उन्मत और मातृ नामों से जाना जाता है। शिवप्रिय क्योंकि शिव जी को चढ़ाया जाता है, शिव जी को प्रिय होता है। कनक क्योंकि इसके बीच गोल्डन कलर की अपीयरेंस होती है। उन्मत और मातुल क्योंकि ये मादक होते हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिलता है ये। ज़्यादातर जहाँ वेस्ट लैंड है, सूखी और खाली भूमि है, वहाँ पर ज़्यादा मिलता है। मॉर्फोलॉजी, दतुरा मेटल इज ए शर्ब लाइक एनुअल और पेरिएनुअल हर्ब कॉमनली नोन एज डेविल ट्रम्पेट एंड मेटल। द प्लांट इज एन एनुअल और पेरिएनुअल हर्ब ग्रोइंग अप टू 3 feet हाई विद डार्क वायलेट शूट एंड ओवर टू ब्रॉड ओवर लीव्स। There are often dark violet as well. The presently scattered 6 to 18 flowers are immensely varied and can be single or double. Colors range from white to cream and violet. The seed capsule is covered with numerous conical thumbs and the two spines. इसकी variety देखिए, दो तरह के दतुरे मिलते हैं, श्वेत और कृष्ण। श्वेत दतुरा उसका नाम रहता है दतुरा मेटल और कृष्ण दतुरा का नाम रहता है दतुरा स्ट्रेमोनियम। ये देखिए बेसिकली इसके फ्लावर के कलर में बहुत डिफरेंस मिलता है। जो श्वेत धतुर है वो व्हाइटिश फ्लावर होते हैं, जो कृष्ण धतुर है इसके डार्क वायलेट कलर का फ्लावर रहता है और स्टेम के कलर में भी अंतर मिलता है। श्वेत धतुर का स्टेम ग्रीनिश होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है, जबकि इसका ब्लैक कलर का स्टेम होता है कृष्ण धतुर का। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है हाइसिन और हाइसेमिन, इसके अलावा हाइसिन धतुरा डायोल धतुरा लोन मिलता है और इसके दूसरे पार्टों में आयोसाइमिन और आयोसिन एक्लाइड भी मिलते हैं। आयोसिन इसका प्रिंसिपल एक्लाइड मिलता है जो लीफ में ज़्यादा मिलता है। आयोसिन एक सीएनएस डिप्रेशेंट के जैसे काम करता है। डायक्लोइड आयोसिन इन लार्ज डोज इज अ पॉइजन दैट कैन कॉज डेलिरियम, डेलिरियम भी कर सकता है ये। प्लस कंटेंट इसका रस होता है कषाय तिक्त मधुर। गुणों में ये तीक्ष्ण होता है, वीर्य में उष्ण रहता है, विपाक में कटु और दोष कर्म में ये बात का शाम करता है। क्लासिकल डेफिनेशन देखिए इसका तो धतुर कटु उष्ण कांतिकारी व्रणार्थी अर्थात धतुरा कटु होता है, उष्ण होता है, कांतिकारी होता है, वर्ण को उत्तम करता है और व्रण और अर्थी में काम आता है। पुष्टानी हंति लेपन प्रभावन जरम जय अर्थात पुष्ट पे इसका लेप करने से प्रभाव से पुष्ट को दूर करता है और जर को भी जीतता है। दग दोष हर प्रक्षम कंडू जरारी भ्रमावह यानी दग दोष कंडू और अतिजर और भ्रम को ही दूर करता है। इसके अलावा कैदी निगंधन का है धतुर मधुरा दिखता है तीक्ष्ण उष्ण तूरो गुरु उन्माद वांति मंडाग्नि कांतिदो ज्वर कुष्ठन यूक लिक्षा व्रण श्लेष्म कृमि कंडू विषापरा। ये का है कैदी निगंध में कर्म अगर इसके देखे तो ये वेदना स्थापन का कार्य करता है। कपग्न होता है, कषाय काशकार होता है, मधकारी होता है, वैवाही होता है, विकासी होता है, वर्ण्य होता है, कांतिकर होता है, तच्छ होता है, कंडुग्न होता है, विषग्न होता है, दीपन क्रमिग्न और जंतुग्न भी होता है। नेक्स्ट यूरो अग्निमाध्यम में इसका उपयोग किया जाता है। श्वास कास में यूज करते तो पकनाशक होता है। वात व्याधि में इसका प्रमुखता से उपयोग होता है क्योंकि ये वातनाशक होता है। उन्माद में वात में संधिवात में इसका उपयोग होता है। जरग्न होता है जल में उपयोगी है। कांतिकर होता है जैसे चरण विकार कंडू आदि में इसका उपयोग किया जाता है। जंतु विकार में जैसे यूका लिक्षा जो जुए होती वाले में उनमें इसका यूज किया जाता है। पादारी अगर ट्रैक हील्स हो रही है तब इसका उपयोग करते हैं। विपादिका उन्माद व्रणम इसका उपयोग किया जाता है। जांघम विष में उपयोगी है। इसके अलावा शोथ और वेदना स्थापन इसका प्रमुख कार्य रहता है। कई सारी बात व्याधि जैसे कि वात व्याधि संधिवात ग्रसी पक्षाघात आदि में इसके पत्तों से पत्र पिंड श्वेत किया जाता है। बहुत अच्छा वात श्रामक रहता है ये। इसके अलावा ग्रंथि में इसका उपयोग किया जाता है। में ट्रेडिशनल यूज धतुरा धतुरे के बीजों को कुष्ठ में काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसकी पत्तियां बम इन्फेक्शन में काम में ली जाती है। ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में इसके लीव्स रूट सीड्स है वो फीवर कंजेशन इंसैनिटी डायरिया डिजीज में काम में लिए जाते हैं। इसके बाद धतुरा नार्कोटिक होता है। एग्रिड एनोडाइन एंटी स्पाजमोटिक एंटी टॉक्सिकेटिंग एंड एमेटिक प्रॉपर्टी रखता है। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी मेडिसिन यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर इंसैनिटी लंबागो सियाटिका पेनफुल स्वेलिंग एंड न्यूरल्जिया। नेक्स्ट आयुर्वेद क्लासिक में से उपविष वर्ग में स्थान दिया है। उपविष वर्ग यानी कि कुछ टॉक्सिक इफेक्ट इसका देखिए तो ड्राइनेस ऑफ माउथ
intense thirst, increasing heart rate, and blurring of vision with prominent metriasis, hallucination, delirium, loss of motor coordination, which may further lead to coma and ultimate to death by respiratory failure. Children, sweden in cow milk for 1 hour. Part two, इसके यूज़ पार्ट है सीड रूट और लीव्स. इसके जो डोज है इसकी, अगर पाउडर ले रहे तो 20 से 100 mg तब तो ले रहे थे, 1 से 3 ड्रॉप लेते हैं. फॉर्मेशन देखिए तो जोरांकुश रस, कनका सौ, दूध शेखर रस, लक्ष्मी विलास रस, कनक सुंदर रस, एकांगी रस, पुष्प धनवा रस, लघु विष्कर्व तेल, विष्तेंदु तेल, दत्तू तेल. होप यू आर सेटिस्फाइड विथ माई डिजिटल सेशन. इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स. Thank you.